जी हाँ दोस्त, आ गया मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ ओल्ड हिंदी सेड सॉन्ग पे। इसी के ऊपर आज मैं ट्यूटोरियल लेकर के आया हूँ, तो आप लोग पिरबू देखे होंगे। पिरबू पसंद आया होगा तो एक लाइक कीजिए दोस्त, और वीडियो को फुल वॉच कीजिए, तो ही आप लोग इस तरह का स्टेटस बना पाइएगा। तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इस वीडियो को कैसे क्रिएट करना है बिल्कुल ईजी स्टेप में बताऊँगा आज। तो सबसे पहले आप लोग ऐप में आ जाइएगा जिसका नाम है लाइट मोशन। लाइट मोशन ऐप में आने के बाद अगर आपके पास लाइट मोशन नहीं है तो प्ले स्टोर से बिल्कुल आसानी से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। लाइट मोशन ओपन होने के बाद नीचे प्रोजेक्ट मिलेगा, प्रोजेक्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आप लोग के सामने एक तेरे घर के सामने जान देंगे सॉन्ग बीट मार और शेक इफेक्ट देखने को मिलेगा। ये दोनों हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके अपने लाइट मोशन में इनपुट कर लीजिएगा। इसमें जितने सारे मटेरियल यूज होने वाले हैं, एक्सएमएल फाइल, फ़ोटो और वीडियो क्लिप, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे है। और टेलीग्राम चैनल के लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से नहीं होता है ज्वाइन तो जाके टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिएगा डीजे बलराम बाबू झारखंड नंबर हो तो वहाँ से आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग बीट मार्क में आइएगा। बीट मार्क में आने के बाद आप लोग कुछ इस तरह से एनिमेशन बनाया हुआ देखने को मिलेगा। आप लोग को स्क्रॉल डाउन कीजिए को कुछ इस तरह एनिमेशन बनाया हुआ देखने को मिलेगा। इसमें सब सारे जितने सारे एनिमेशन है, कुछ नया है कुछ पुराना है, सब मिला करके बनाया हो। तो आप लोग कुछ नहीं करना है दोस्त, आप लोग सबसे पहले ये इमेज पे क्लिक कीजिएगा, कलर पे क्लिक कीजिएगा, स्टार वाले पे क्लिक कीजिएगा। आप लोग के जिस भी फोल्डर में होगा फोटो, आप लोग कोई एक सा भी फोटो ले लीजिएगा। चलिए मैं ले लेता हूँ कोई एक सा भी फोटो, सेट फोटो। चलिए मैं फ़ोटो ले लेता हूँ, तो प्लस पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए फ़ोटो कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। देखिए कुछ फ़ोटो इस तरह से शो हो गया है। अब आगे आइएगा, आगे आइएगा तो कुछ इस तरह से एनिमेशन बनाया हुआ देखने को मिलेगा। आप लोग को यहाँ पे बैकग्राउंड एडिट फ़ोटो चाहिए तो हम मैं अपने टेलीग्राम पे दे दूंगा, वहाँ से जाके आप लोग ले लीजिएगा। तो वहाँ से ये इमेज वाले पे क्लिक कीजिएगा, कलर पे क्लिक कीजिएगा, स्टार वाले पे क्लिक कीजिएगा। आप लोग यहाँ से जिस बैकग्राउंड रिलीज फ़ोटो ले लीजिएगा। तो चलिए मैं ले लेता हूँ, अपने किस फोल्डर में होगा ये फ़ोटो है, चलिए इसको मैं ले लेता हूँ। तो प्लस पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए कुछ इस तरह से लग गया है यहाँ पे। अब आगे आइएगा, आगे आइएगा तो फिर से एक हरा कलर का इमेज दिखेगा, तो इस पर क्लिक कीजिएगा, कलर पर क्लिक कीजिएगा, स्टार वाले पर क्लिक कीजिएगा। इसमें भी आप लोग बैकग्राउंड रिलीज फ़ोटो ले लीजिएगा। चलिए मैं ले लेता हूँ, चलिए मैं फ़ोटो लेता हूँ, प्लस पे क्लिक कीजिएगा, देखिए फ़ोटो कुछ इस तरह से शो हो गया है। तो आगे आइएगा, आगे आइएगा तो कुछ इस तरह से एनिमेशन बनाया हुआ देखने को मिलेगा आप लोगों को। इसमें कुछ नहीं करना है दोस्त, ऊपर वाले इमेज पे क्लिक कीजिएगा, कलर पे क्लिक कीजिएगा, स्टार वाले पे क्लिक कीजिएगा। आपने जिस भी फोल्डर में फ़ोटो रखा होगा आप लोग यहाँ से कुछ फ़ोटो ले लीजिएगा। चलिए मैं फ़ोटो ले लेता हूँ, चलिए मैं ये फ़ोटो लेता हूँ, तो प्लस पे क्लिक कीजिएगा, फ़ोटो देखिए कुछ इस तरह से शो हो गया है। इसको ऊपर आके देखिए कुछ इस तरह से लगेगा। आगे आइएगा, आगे आइएगा तो कुछ इस तरह से एनिमेशन बनाया हुआ देखने को मिल रहा है। तो इस पर इमेज वाले पे क्लिक कीजिएगा, कलर फिल पे क्लिक कीजिएगा, स्टार वाले पे क्लिक कीजिएगा। आप लोग यहाँ से कोई एक सभी फ़ोटो ले लीजिएगा। चलिए मैं फ़ोटो ले तो प्लस पे क्लिक कीजिएगा, देखिए फ़ोटो कुछ इस तरह से शो हो गया है। अब आगे आइएगा, आगे खाली जगह देखने को मिलेगा। तो आप लोग को कुछ नहीं करना, ये दोनों को यहाँ से दबा के रखिएगा, ये दोनों को दबा के रखिएगा, खाली प्लस वाला डब्बा मिलेगा इस पर क्लिक कीजिएगा, कॉपी टू लेयर कर लीजिएगा।
कॉपी क्लियर हो जाएगा। ये इसके बाजू में अगला बिट मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा बिट पे, तो प्लस वाले डब्बे पे क्लिक कीजिएगा, पेस्ट टू लेयर कर दीजिएगा। तो देखिए कुछ इस तरह से हो गया है। अगले बिट में आएगा तो देखिए कुछ इस तरह से बड़ा हो रहा है। तो इस दोनों को फिर से दबा के रखिएगा, इसको दबा दीजिएगा टर्न टू राइट। तो देखिए कुछ इस तरह से अगला भागे का बिट कट गया है इधर। तो आप लोग इस तरह से फोटो भी इसमें चेंज कर लीजिएगा। तो फोटो चेंज कीजिएगा, उम्र ऊपर वाले इमेज पर क्लिक कीजिएगा, कलर पर क्लिक कीजिएगा, स्टार वाले पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ से आप लोग कोई फ़ोटो ले लीजिएगा। चलिए मैं फ़ोटो ले, ये फ़ोटो ले तो प्लस पे क्लिक कीजिएगा, फ़ोटो देखिए कुछ इस तरह से शो हो गया। आप लोग इसी तरह से पेस्ट इमेज करके इसी तरह से यहाँ तक कर लीजिएगा। आगे आएगा तो एक वीडियो क्लिप मिलेगा, इसको छोड़ दीजिएगा। अगर आप में शो नहीं कर रहे तो टेलीग्राम पर वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। आगे आइएगा तो कुछ इस तरह से एक और नया एनिमेशन बनाया हुआ देखने को मिलेगा। अब इसमें क्या करने का है तो आप लोग इस पर क्लिक कीजिएगा, कलर पर क्लिक कीजिएगा, स्टार वाले पर क्लिक कीजिएगा। आप लोग यहां से एक सभी भी फ़ोटो ले लीजिएगा, कोई भी आपने जिस फोल्डर में रखा होगा। चलिए मैं ले लेता हूं फ़ोटो, तो प्लस पे क्लिक कीजिएगा, देखिए फ़ोटो कुछ इस तरह से शो हो गया है। आगे आइएगा, आगे आइएगा फिर से एक और एनिमेशन देखने को मिलेगा, इस पर भी आप लोग फ़ोटो एड कर लीजिएगा। तो कलर फिल्ड पर जाइएगा, स्टार वाले पर क्लिक कीजिएगा, आप लोग यहाँ से कोई एक सभी फ़ोटो ले लीजिएगा। चलिए मैं लेता हूं ये फ़ोटो ले लेता हूं, तो प्लस पर क्लिक कीजिएगा, फ़ोटो कुछ इस तरह से शो हो गया है। अब आगे आइएगा, एक नीचे बैकग्राउंड इमेज दिखेगा, तो इस पर क्लिक कीजिएगा, कलर फिल्ड पर क्लिक कीजिएगा, स्टार वाले पर क्लिक कीजिएगा। आप लोग यहां से भी बैकग्राउंड का फ़ोटो ले लीजिएगा, बैकग्राउंड में आप लोग जो फ़ोटो रखना चाहते हो वो ले लीजिएगा। चलिए मैं फ़ोटो रख लेता हूं, तो प्लस पर क्लिक कीजिएगा, देखिए बैकग्राउंड में भी फ़ोटो ऐड हो गया है, पीछे का सारे ब्लर फोटो ऐड हो गया है। अब आगे आइएगा, आगे आइएगा कुछ इस तरह से खाली बिट देखने को मिलेगा। तो आप लोग को कुछ नहीं करने का है, इसमें आप लोग को खाली फ़ोटो ऐड करने का है। तो प्लस पे क्लिक कीजिएगा, मीडिया पे क्लिक कीजिएगा, आप लोग यहाँ से फ़ोटो ले लीजिएगा। चलिए मैं ले लेता हूँ फ़ोटो, चलिए मैं फ़ोटो ले लेता हूँ। तो यहाँ पे थ्री डॉट मिलेगा, फुल कॉम्बिनेशन कर दीजिएगा। अगले बीट में आकर ट्रेंड टू राइट कर दीजिएगा। अब इसमें इफेक्ट कौन सा लगेगा, तो बैक करके अपने शेक इफेक्ट में आइएगा। शेक इफेक्ट में आने के बाद जो पहला वाला इफेक्ट जो दिख रहा है आप लोग, इस पर क्लिक कीजिएगा, कलर इफेक्ट पर क्लिक कीजिएगा, थ्री डॉट पर आकर कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। बैक करके अपने बीट मार्क में आइएगा, बीट मार्क में आने के बाद आप लोग कुछ इस तरह से घसका करके ले आइएगा जहाँ आप लोग फोटो ऐड किया था। चलिए मैं फोटो यहाँ पे ऐड किया, तो फोटो पे क्लिक कीजिएगा, इफेक्ट पे क्लिक कीजिए, थ्री रोड पे आके पेस्ट पे कर दीजिएगा। तो देखिए इफेक्ट कुछ इस तरह से पेस्ट हो गया है। आगे आइएगा बीट पर, अगले बीट में आइएगा तो प्लस पर क्लिक कीजिएगा, मीडिया पर क्लिक कीजिएगा, आप लोग यहाँ से भी कोई एक सभी फ़ोटो ले लीजिएगा। चलिए मैं फ़ोटो ले लेता हूँ, ये फ़ोटो लेता हूँ, तो यहाँ पर थ्री रोड पर क्लिक कीजिएगा, फुल कॉम्बिनेशन कर दीजिएगा। अगले बीट में आकर टर्न टू राइट कर दीजिएगा। अब इसमें भी इफेक्ट वही पेस्ट कीजिए, इफेक्ट पे क्लिक कीजिए, थ्री डॉट पे आके पेस्ट पे कर दिया। तो देखिए कि इफेक्ट भी कुछ इस तरह से शो हो गया है। इसी तरह से आप लोग फोटो लगा के इफेक्ट, पहला वाला इफेक्ट ये डबल बिट तक आप लोग कर लीजिएगा। आगे आइएगा, तो आगे आइएगा तो एक और वीडियो क्लिप देखने को मिलेगा यहाँ से। ये वीडियो क्लिप शो नहीं करेगा आप में, तो टेलीग्राम चैनल पर वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। अगले बिट में आइएगा, अगले बिट में आइएगा तो कुछ इस तरह से नया एनिमेशन बनाया हुआ देखने को मिलेगा। तो आप लोग को कुछ नहीं कीजिएगा, इस तीनों लेयर में आप लोग को खाली फोटो एड करने का है। तो सबसे पहले बैकग्राउंड में मैं फोटो एड कर लेता हूँ, बैकग्राउंड इमेज लिखा हुआ है इस पर क्लिक कीजिएगा, कलर फिल पे क्लिक कीजिएगा, स्टार वाले पे क्लिक कीजिएगा। आप लोग यहाँ से कोई एक सा भी फ़ोटो ले लीजिएगा। चलिए मैं फ़ोटो ले लेता हूँ, चलिए मैं फ़ोटो ले लेता हूँ। तो यहाँ पर प्लस पर क्लिक कीजिएगा, देखिए बैकग्राउंड में कुछ फ़ोटो इस तरह से शो हो गया है। अब ऊपर वाले इमेज पे क्लिक कीजिएगा, कलर पे क्लिक कीजिएगा, स्टार वाले पे क्लिक कीजिएगा। आप लोग यहाँ से भी कोई एक सभी इमेज ले लीजिएगा। चलिए मैं ये एक इमेज ले लेता हूँ, ये इमेज लेता हूँ, तो प्लस पे क्लिक कीजिएगा, देखिए इमेज कुछ इस तरह से ऐड हो जाएगा। देखिए स्टार में इमेज ऐड हो गया है। तो ब्लू वाले इमेज पर क्लिक कीजिएगा, कलर पर क्लिक कीजिएगा, स्टार वाले पर क्लिक कीजिएगा। आप लोग यहाँ से भी कोई एक सभी इमेज ले लीजिएगा। चलिए मैं ये इमेज ले लेता हूँ, तो प्लस पे क्लिक कीजिएगा, तो कुछ देखिए इस तरह से हो गया है। देखिए स्टार में भी फोटो ऐड हो गया, नीचे भी फोटो ऐड हो गया, तो कुछ इस तरह से लग रहा है। आगे आइएगा, आगे आइएगा तो कुछ इस तरह से खाली बिट देखने को मिलेगा। तो आप लोग इसमें खाली फोटो ऐड करने का, तो प्लस पे क्लिक कीजिएगा, मीडिया पर क्लिक कीजिएगा, आप लोग यहाँ से कोई एक सा भी फ़ोटो ले लीजिएगा। चलिए मैं फ़ोटो ले लेता हूँ, ये फ़ोटो ले लेता हूँ, थ्री रोड पर आके फुल कॉम्बिनेशन कर दीजिएगा। अगले बिट में आकर ट्रेंड टू राइट कर दीजिएगा। अब इसमें इफेक्ट कौन सा लगेगा, तो बैक करके मैं शेक इफेक्ट में आइएगा। शेक इफेक्ट में आने के बाद जो दूसरा वाला इफेक्ट जो दिख रहे आप लोग, इस पर क्लिक कीजिएगा, इफेक्ट पर क्लिक कीजिए, थ्री रोड पर आके कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। बैक करके अपने बीट मार्क में आइएगा, बीट मार्क आने के बाद आप लोग जहाँ फोटो एड किया था वहाँ पर कुछ इस तरह से खसका लीजिए। चलिए मैं यहाँ फोटो एड किया हूँ,
तो फोटो पे क्लिक कीजिएगा, इफेक्ट पे क्लिक कीजिए, थ्री डॉट पे पेस्ट पे कर दीजिएगा। तो देखिए इफेक्ट कुछ इस तरह से पेस्ट हो गया है। आप लोग फिर से आप लोग अगले बीट में आके फोटो लगा लीजिएगा, तो प्लस पे क्लिक कीजिएगा, मीडिया पे क्लिक कीजिएगा। आप लोग यहाँ से कोई एक सभी फोटो ले लीजिए, जैसे ये मैं फोटो ले लेता हूँ, थ्री डॉट पे आके फुल कॉम्बिनेशन कर दीजिएगा। अगले बीट में आकर टर्न टू राइट कर दीजिएगा, आप इफेक्ट भी वही लगाने का है, तो इफेक्ट पर क्लिक कीजिएगा, थ्री डॉट पे आके पेस्ट पे कर दिया। तो देखिए इफेक्ट भी कुछ इस तरह से हो गया। अब आगे आइएगा, इसी तरह से आप लोग फोटो लगा करके यहाँ तक आप लोग लास्ट तक यहाँ तक फोटो लगा लीजिएगा, इफेक्ट भी पेस्ट कर दीजिएगा। आगे आएगा तो कुछ इस तरह से एनिमेशन बनाया हुआ देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को कुछ नहीं करने का, ये इमेज पे क्लिक कीजिएगा, कलर पे क्लिक कीजिएगा, स्टार वाले पे क्लिक कीजिएगा। आप लोग यहाँ से कोई एक सभी इमेज ले लीजिएगा। चलिए मैं एक इमेज ले लेता हूँ, ये फ़ोटो ले लेता हूँ। तो प्लस पे क्लिक कीजिएगा, देखिए फोटो कुछ इस तरह से शो हो गया है। आगे आइएगा तो कुछ इस तरह से दो बीट खाली मिलेगा। तो ये इफेक्ट लेयर को आप लोग दबा के रखिएगा, यहाँ पे प्लस पे क्लिक कीजिएगा, कॉपी लेयर कर लीजिएगा, कॉपी लेयर हो जाएगा। अगले बीट में आइएगा, प्लस पे क्लिक कीजिएगा, पेस्ट लेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो इससे छोटा कपड़ा लेयर, तो ले फोटो पे क्लिक कीजिएगा, पेस्ट कुछ इसको दबा दीजिएगा, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, आप लोग को बराबर हो जाएगा। इसमें भी आप लोग उसी तरह से फ़ोटो चेंज कर लीजिएगा, इसमें भी आप लोग इफेक्ट पेस्ट कर दीजिएगा। चलिए मैं पेस्ट कर देता हूँ, तो इस पर क्लिक कीजिएगा, पेस्ट लेयर कर दीजिएगा। तो देखिए कुछ इस तरह से पेस्ट हो गया, छोटा पड़ गया, इसको दबा दीजिएगा, तो देखिए कुछ इस तरह से हो गया। तो वीडियो आप लोग बन के रेडी हो जाएगा। वीडियो का सेव करने के लिए ऊपर खाली डब्बा मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, नीचे स्पॉट का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा, तो वीडियो बन के रेडी हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।